जा रहे हैं वो 12th क्लास BST चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या चीज़ होती है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एक मैनेजर बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील करता है बिकॉज ऑफ द वर्क असाइन टू हिम, तो एट दैट टाइम वो अपनी विलिंगनेस से अपना कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने से जस्ट नेक्स्ट पोस्ट को डेलीगेट कर देता है, यानी कि उसे हैंड ओवर कर देता है और वो अपने प्राइमरी फंक्शंस पर, यानी कि जो उसकी प्राइमरी ड्यूटीज़ होती है उन पर फोकस करता है और उन्हें अकम्प्लिश करता है एट द टाइम। अब इस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नाम की जो ये प्रोसेस है, इसका फ़ायदा ये होता है, इससे एक तो जो मैनेजर्स हैं वो ओवरबर्डन नहीं फील करते हैं, वो अपने जूनियर एम्प्लॉयज़ को जस्ट नेक्स्ट सबॉर्डिनेट को वो अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हैंड ओवर कर देते हैं। दूसरा फ़ायदा इससे ये होता है कि जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उन्हें अपने से ऊपर की एक पोस्ट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे फुलफ़िल करने का एक मौका मिलता है, अपने आप को अपने स्किल्स को शो करने का एक अपॉर्चुनिटी उसे मिलती है। दूसरा, फ्यूचर मैनेजर्स जो हैं जूनियर पोस्ट पर रहते हुए भी अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि दे आर लाइबल टू डू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सीनियर पोस्ट ऑल्सो। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को ये फ़ायदा होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपने फ्यूचर के मैनेजर्स को तैयार कर सकती है। जी, मैनेजर अपने प्राइमरी फंक्शंस पर फोकस कर सकता है, सेकेंडरी फंक्शंस वो अपने किसी जूनियर को दे सकता है और जो जूनियर्स हैं वो अपने आपको मिली हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करके अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं और अपने स्किल्स को और शार्प कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का यूज़ एक मैनेजर द्वारा ही किया जाता है, ना कि ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये इसमें नहीं होता है। जी, तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के एलिमेंट क्या क्या होते हैं। जी, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के तीन एलिमेंट्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी। तो सबसे पहले मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है और ये एक एलिमेंट क्यों होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है एक मैनेजर जो अपने किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने नेक्स्ट सबॉर्डिनेट को, अपने से नीचे वाली पोस्ट को देता है, वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अपने आपको असाइन किए गए टास्क वो अपने सबॉर्डिनेट को दे देता है। और ये क्यों करता है एक मैनेजर? क्योंकि एक जो मैनेजर जब कभी ओवरबर्डन हो जाता है तो वो अपने आप को थोड़ा सा फ्री करने के लिए, अपने प्राइमरी फंक्शंस पे फोकस करने के लिए इस काम को करता है और इसीलिए इसे एक एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहा जाता है, क्योंकि एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो अपनी विलिंगनेस से हैंड ओवर करता है, बट उसके लिए आंसरेबल वो हमेशा सुपीरियर ही रहता है। जी, दूसरा एलिमेंट है इसका अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है द पावर विच वी नीड टू अकम्प्लिश द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिली है उसे कम्प्लिश करने के लिए बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं, तो उन काम को करने के लिए हमें उस काम के लेवल की पावर की भी ज़रूरत होती है, जिससे कि हम सारे जो डिसीजंस हैं रिगार्डिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे अच्छे से पूरा कर सकें और काम को टाइमली अकम्प्लिश कर सकें। जी, तो इसलिए अथॉरिटी जो होता है ये भी एक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एलिमेंट होता है। जी, तीसरा जो एलिमेंट है वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल, यानी कि उस काम के लिए फाइनल आंसरेबल कौन होगा। तो वैसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबॉर्डिनेट को दी गई है बाय द सुपीरियर, उसका आंसरेबल, फाइनल आंसरेबल तो जो है वो सुपीरियर ही रहता है, जिसने मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर की है, बट उस सुपीरियर को आंसरेबल वो सबॉर्डिनेट रहेगा जिसे वो
रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी अगर वो काम टाइमली पूरा नहीं होता है या उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो। इसलिए ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये तीनों जो मैंने एलिमेंट आपको बताया, ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के एलिमेंट्स होते हैं। और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक मैनेजर के द्वारा अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबॉर्डिनेट को हैंड ओवर करने का एक प्रोसेस होता है और ये सिर्फ मैनेजर्स के द्वारा ही यूज़ किया जाता है जी। अब हम जो नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये भी दो ऐसे तरीके हैं जिनसे एक ऑर्गेनाइजेशन में पावर शेयरिंग की जाती है और इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदे होते हैं ये चीज़ भी हम देखते हैं जी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले है डिसेंट्रलाइजेशन। तो मैं आपको डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब बता देता हूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है व्हेन पावर इज इन द मोर देन वन हैंड, यानी कि जब पावर, डिसीजन मेकिंग पावर, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेने की जो पावर है वो एक से ज़्यादा हाथों में हो तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। इसके अपोजिट एक दूसरी फॉर्म होती है जिसे कि हम लोग सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं और उसका मतलब होता है कि जब ऑल द डिसीजन मेकिंग पावर इन द फ्यू हैंड्स, यानी कि कुछ ही हाथों में, या आप कह सकते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथों में ही होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होंगे वो खाली सेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है। बट इन डिसेंट्रलाइजेशन सम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट और बाकी जो डिसीजंस होते हैं जिसे जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसके डिसीजंस वो अलग अलग लेवल्स के द्वारा, अलग अलग लोगों द्वारा लिए जा सकते हैं विद द यूज़ ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन होती है, इससे एक ऑर्गेनाइजेशन में पावर शेयरिंग का काम किया जाता है जिससे कि ऑल द पीपल कैन टेक द डिसीजंस रिगार्डिंग देयर वर्क जी। अब हम देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन को करने से एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका पहला हेडिंग है डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट, यानी कि एक इनिशिएटिव यानी कि एक स्टार्टअप करने की जो हैबिट है या जो एक फर्स्ट स्टेप है वो डिसेंट्रलाइजेशन से डेवलप होता है सबॉर्डिनेट्स के बीच में। इससे क्या होता है कि ऑल द सबॉर्डिनेट्स अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड डिसीजन है उन्हें ले सकते हैं और दे कैन प्रूव देयर सेल्फ। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन में जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनमें इनिशिएटिव की जो हैबिट होती है वो डेवलप होती है जी। नेक्स्ट इसमें बताया है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर जी। तो ये कह रहे हैं कि हम डिसेंट्रलाइजेशन का यूज़ करके फ्यूचर के लिए मैनेजर्स डेवलप कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हर एक लेवल पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने काम से रिलेटेड डिसीजंस को ले सकेंगे तो उनमें एक डिसीजन मेकिंग पावर जो है डेवलप हो जाएगी, और जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है एक मैनेजर के अंदर अपने काम से रिलेटेड डिसीजंस को अपने आप लेना। तो ये भी एक फ़ायदा होता है डिसेंट्रलाइजेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को सबॉर्डिनेट की पोस्ट पर रहते हुए ही मैनेजर्स की जो ट्रेनिंग है वो दे सकती है विद द हेल्प ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन जी। नेक्स्ट क्विक डिसीजन मेकिंग। देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर क्विक डिसीजन मेकिंग होती है तो हर डिसीजन जो है जिस भी लेवल का होगा वो उसी लेवल पे ले लिया जाएगा और जो काम है वो बहुत जल्दी से हो जाएगा। बट अगर हम उस ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन यानी कि एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे जिसके थ्रू जो अगर कोई लास्ट लेवल का एम्प्लॉय है और उसे कोई डिसीजन लेना है तो उसे पूरी चेन को फॉलो करना पड़ेगा और फिर उसी चेन के थ्रू जो उसका फीडबैक है यानी कि जो डिसीजन लिया जाएगा वो उस लेवल तक, लास्ट लेवल तक आएगा और इससे जो होगा काम में बहुत डिले हो जाता है। तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन ये कर सकती है कि डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है उसे फास्ट किया जा सकता है। तो ये भी एक डिसेंट्रलाइजेशन की बेनिफिट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन को जी। नेक्स्ट दे आर टेलिंग रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन का यूज़ करने से एक ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। वो फाइनेंस से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड या पॉलिसी मेकिंग से जो रिलेटेड डिसीजंस होते हैं वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो हर लेवल के एम्प्लॉयज़ के ऊपर छोड़ दी जाती है जिससे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है थोड़ा रिलीफ महसूस कर सके जी। नेक्स्ट इज़ फैसिलिटेट ग्रोथ जी।
तो इसमें नेक्स्ट में ये बता रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन का यूज़ करने से एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि ऐसा करने से एक तो डिसीज़न मेकिंग जो है वो जल्दी हो जाती है। डिसीज़न मेकिंग अगर जल्दी होगी तो टारगेट्स को जल्दी से पूरा कर लिया जाएगा, किसी चीज़ के लिए वेस्ट नहीं, किसी चीज़ के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, और जो एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ के चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जी, नेक्स्ट है बेटर कंट्रोल। जी, जब हर एक लेवल पे हर एक रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय अपने डिसीजंस अपना लेगा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, तो उसका जो कंट्रोल है उसके अंडर एम्प्लॉयज़ पर ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन का यूज़ करके हम कंट्रोल को बेटर कर सकते हैं, और जो बैरियर्स होते हैं किसी भी काम को करने में उन्हें रिमूव किया जा सकता है। तो इस तरह से मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं क्लियर कर दिए हैं।